हेलो व्यूवर्स, हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पे आपका स्वागत करती हूँ। इस यूजफुल वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और साथ ही अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करना और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोने से पहले सरसों के तेल से मालिश करने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हर किसी के किचन में फ्रेंड्स सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल ज़रूर होता है और ये एक ऐसा तेल है जो कि रसोई में हेल्दी एंड साथ ही टेस्टी डिशेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। फ्रेंड्स, टेस्टी डिशेस जैसे कि सरसों का साग, पूरी, सब्जियां, करीज आदि को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन स्वास्थ्य और साथ ही त्वचा के लिए किसी जड़ी बूटी यानी कि हर्ब से कम नहीं होता है। जी हाँ, ये गहरा पीले रंग का तेल केवल खाने के अलावा फ्रेंड्स बॉडी मसाज, त्वचा, बालों से जुड़ी अनेक प्रॉब्लम्स का समाधान करती हैं। इसके अलावा स्किन में होने वाले किसी इन्फेक्शन, शरीर के विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स दूर करने और साथ ही फ्रेंड्स रैशेस से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इस तेल में एंटी फंगल और साथ ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपकी त्वचा में होने वाले रैशेस और साथ ही त्वचा की रंगत को हल्का करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही फ्रेंड्स, इस तेल में कई सारे विटामिन, मिनरल्स और साथ ही अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाते हैं। फ्रेंड्स, अगर सोने से पहले इसे शरीर के कुछ हिस्सों पर लगाया जाए तो इससे आपको मिराकुलस बेनिफिट्स होते हैं। जी हाँ, आज हम आपको उन्हीं हिस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर सरसों का तेल लगाने से आपके कई सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड्स, सबसे पहला है सिर की मालिश। जी हाँ, अगर आप दिन भर काम से लौटने के बाद थक जाते हैं जिसकी आपको तनाव भी रहता है तो रात को सोने से पहले सिर पर सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल को लगाकर अच्छे से बालों और साथ ही सिर पर मसाज कीजिए। इससे रिलैक्स मिलेगा और साथ ही तनाव भी दूर रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नाभि यानी कि अपने बेली बटन पर लगाएं सरसों का तेल। फ्रेंड्स, सोने से पहले सरसों का तेल नाभि पर लगाएं। इससे फ्रेंड्स आपके होंठों के फटने की प्रॉब्लम दूर होती हैं, साथ ही होंठ खूबसूरत भी दिखने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, नाभि पर सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल को लगाने से पेट दर्द और साथ ही पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। इसके साथ ही आँखों की जलन, खुजली यानी कि फ्रेंड्स आँखों में होने वाली इचिंग और साथ ही सूखापन भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, आप पैरों के तलवों पर कीजिए मालिश। रोज़ रात में सोने से पहले अगर पैरों के तलवों पर सरसों का तेल लगाकर मालिश की जाए तो इससे आँखों की रोशनी यानी कि फ्रेंड्स आपका आई विजन तेज़ होता है। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो ये नुस्खा भी आपके लिए सबसे बेस्ट है। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि जब आप अपने पैरों के तलवों पर इस तेल से मसाज करेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नींद आती है, साथ ही से शरीर हेल्दी एंड साथ ही स्ट्रांग भी बना रहता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, पैरों के तलवों में मालिश करने पर थकान भी दूर होती हैं और पैर मजबूत भी होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप चोट पर लगाएं सरसों का तेल। अगर लंबे समय से लगी चोट यानी कि इंजरी ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे में आप वहां पर मस्टर्ड ऑयल को लगा लीजिए। अपनी चोट पर सरसों का तेल तब तक लगाते रहिए जब तक कि चोट सूखकर ठीक ना हो जाए। तेल को चोट यानी कि फ्रेंड्स इंजरी पर लगाने से आपकी चोट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। सन टैन और साथ ही दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल कीजिए सरसों का तेल। फ्रेंड्स, सन टैन और साथ ही चेहरे के दाग धब्बों के लिए भी सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, इसके लिए नियमित रूप से इस तेल से चेहरे की मसाज करने से टैन और साथ ही दाग धब्बे कम हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सन टैन से छुटकारा पाने के लिए एक छोटा चम्मच सरसों के तेल में 2 चम्मच काबुली चने का आटा, 1 चम्मच दही और साथ ही 3 से 4 बूंद नींबू का रस मिलाकर इसका एक फेस पैक बना लीजिए। अब इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करके इसे अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद आप पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। ये प्रोसेस आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे फ्रेंड्स आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा हो जाएगा और सारी की सारी सनटैन भी चली जाएगी। फ्रेंड्स, सरसों के तेल से करें गंजेपन का इलाज। जी हाँ, कई सारे लोगों को कम उम्र में ही गंजेपन यानी कि बालनेस की समस्या हो जाती है। ऐसे में सरसों का तेल इस समस्या से निजात दिला सकता है। ऐसे में फ्रेंड्स, लगातार बालों में सरसों का तेल लगाने से बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं यानी कि आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए फ्रेंड्स आप हर दूसरे दिन अपने सर पर सरसों के तेल से मालिश करें, बहुत जल्द आपको फायदे देखने को मिल जाएंगे यानी कि इससे गंजापन यानी कि बालनेस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अस्थमा में फायदेमंद है सरसों का तेल। फ्रेंड, जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है उन्हें सरसों के तेल का सेवन ज़रूर करना चाहिए।
सरसों के तेल में मैग्नीशियम होता है जो कि अस्थमा के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस तेल का इस्तेमाल सर्दी होने पर भी किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, अस्थमा में आप सरसों के तेल में कपूर को डालकर गर्म कर लीजिए। इस तेल से सीने और साथ ही पीठ की मसाज करें। और फ्रेंड, दिन में 2 से 3 बार इस तरह से मालिश करने से आपको अस्थमा में रिलीफ मिलता है। दोस्तों, मच्छरों से पाए छुटकारा। जी हाँ, अगर आप अपने शरीर पर सरसों के तेल को लगाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ और साथ ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फ्रेंड्स, इस तेल की तेज़ सुगंध की वजह से मच्छर यानी कि मस्कीटोज आपके पास नहीं भटकते हैं। ऐसे में डेंगू मलेरिया जैसे मच्छरों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, शारीरिक थकान के लिए इस्तेमाल करें सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों के तेल से मालिश करने पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और साथ ही आपके शरीर में चुस्ती स्फूर्ति आती है। इससे शारीरिक थकान भी दूर होती है। इसका इस्तेमाल कई तरह के दर्द और साथ ही सूजन को कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सरसों के तेल का इस्तेमाल सूजन यानी कि स्वेलिंग दूर करने के लिए आप लहसुन की पोथियाँ यानी कि गार्लिक को मिलाकर गर्म कर लीजिए और इसके बाद हल्के गर्म अवस्था में ही इसे उस स्थान पर लगाएं जहाँ पर आपको दर्द या फिर सूजन हो रही हो। जैसे कि फ्रेंड, वहाँ पर लगाकर मालिश करने के बाद कुछ ही देर में आपको फर्क नज़र आने लगेगा। यानी कि फ्रेंड, जहाँ जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है या फिर आपको स्वेलिंग है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कमर दर्द में है फ़ायदेमंद। जी हाँ, यदि कमर दर्द हो तो सरसों के तेल में थोड़ी सी हींग, अजवाइन और सती लहसुन यानी कि गार्लिक को मिलाकर आप गर्म कर लीजिए और उसके बाद इसे आप अपने कमर पर लगाएं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको पिंडलियों का दर्द हो तो आप सरसों के तेल को गुनगुना करके मसाज कीजिए। जी हाँ, इस तरह से मसाज करने से आपका कमर का दर्द साथ ही पिंडलियों का दर्द भी कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे रात में सोने से पहले सरसों के तेल से मसाज करने के बेमिसाल फ़ायदे। अगर आपको भी इसमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती हैं तो ऐसे में फ्रेंड्स, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।